सोशल मीडिया पर हीना खान शुक्रिया अदा करती नजर आई रूबीना दिल्लेख का, किस लिए चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। पर आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 के अंदर एक फॉर्मेट के साथ में आई है जिसमें सीनियर्स और फ्रेशर्स का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, जहां पर हीना खान हमेशा न्यूट्रल रही है। मैं नहीं कहूंगी कि उन्होंने कभी इसका सपोर्ट किया, कभी उसका सपोर्ट किया, लेकिन न्यूट्रल में भी उन्होंने हमेशा सही का साथ दिया है और हमेशा रूबीना के लिए एक बैक सपोर्ट, एक स्ट्रेंथ, एक मोटिवेशनल पर्सन की तरह वो हमेशा सामने आई है और इस बात को जाहिर करते हुए नजर आई रूबीना दिल्लेख। आपको बता दूं, कल जब हीना खान एपिसोड में घर से विदा लेती हुई नजर आई, उस समय पर रूबीना काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे थे तो आप मेरी स्ट्रेंथ थे, आप मेरी ताकत थे, आप मेरा मोटिवेशन थे और आपने ही मेरा हौसला आगे बढ़ाया है। आप पर मुझे भरोसा था, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो यहां पर हीना खान ने कहती है कि तुम जैसे खेल रही हो तुम वैसे ही खेलो, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, साथ ही तुम्हारे मुद्दे भी सही होते हैं, बस चुनो कि कौन से मुद्दे पर आवाज उठानी है और किस चीज को लेट गो करना है। यहां पर जहां एक तरफ रूबीना और हीना खान का ये बॉन्ड सोशल मीडिया पर छाया हुआ था, हर कोई पसंद कर रहा था, तो वहीं हीना खान के बाहर आने के बाद जब उन्होंने अपना सोशल मीडिया छाना और इस बॉन्ड को और भी दिल से देखा तो उन्हें दिखा कि कितना सारा प्यार मिला है उन्हें सोशल मीडिया पर। आपको बता दूं, इस प्यार के लिए ही शुक्रिया अदा करती हुई नजर आई है हीना खान कि इतना सम्मान देने के लिए रूबीना दिल्लेख को, कि इतना सम्मान दिया उन्होंने, उन्हें इतना अप्रिशिएट किया है। तो यहां पर हर किसी ने तारीफ की है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस रिश्ते के लिए, इस बॉन्ड के लिए, इस ताकत के लिए? कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।